वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंट से 050 गेमिंग में। एंड हम आ चुके हैं एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे पास काफ़ी अच्छा बैलेंस है, 37,400 प्लस यूरोस है। तो आज हम अपना ट्रक जो है वो चेंज कर लेते हैं, एक नया वाला ट्रक जो ख़रीद लेते हैं। ये हमने सबसे पहला ट्रक चलाया हुआ है, ये अभी जो अपने पास ट्रक है वो वाला। अब इससे नेक्स्ट ये वाला एक आर्या है, स्ट्रीम नाम का जो कॉपी है स्कैनिया का, स्कैनिया ही कुछ नाम है ओरिजिनल वाली ट्रक का। ये है लो बंक और ये है ज़रा हाई बंक। लो बंक का प्राइस है 35,000 यूरोस, हाई बंक का प्राइस है 36,000 यूरोस। और इस दोनों में फ़र्क क्या है अपन देखते हैं। दोनों का सेम व्हील बेस है, 4.2 370 bhp, और पावर वगैरह सब कुछ सेम है। बस चेंज ये है कि ये हाई बंक है, ये थोड़ा लो बंक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हाई बंक ही उठा लेते हैं। 36,000 यूरोस का हमको खर्चा पड़ेगा, लेट्स परचेज। तो ये ड्राइव योरसेल्फ करते हैं और इसको हम करते हैं स्लॉट 2 में। हमारे पास दो जगह है, नैन्सी और फ्रैंकफर्ट। तो एक काम करते हैं, नैन्सी में चले जाते हैं, नैन्सी को असाइन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम करनी, वाह, हमेशा अंधेरे में भाई ट्रक डिलीवरी होती है। अपनी नई ट्रक देखने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है कब सुबह होगी और कब हम ट्रक को देखेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड द ट्रक, स्टार्ट करते हैं इंजन को, देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है, पिछली ट्रक से सेम है या अलग है। अरे वाह, ये साउंड काफ़ी अलग दिख रही है दोस्तों। एलईडी लाइट आप देख सकते हैं, ट्रक स्टार्ट होते ही ऊपर और नीचे जो स्टॉक एलईडी लाइट्स है वो ऑन हो चुकी है। तो ट्रक की लाइट एक बार ऑन करके देखते हैं। वाह, अरे वाह, क्या बात है, काफ़ी बढ़िया इसकी लाइटिंग दी गई है हर जगह। वाह, इसके बाद हम करते हैं फ्लैशर्स ऑन। फ्लैशर तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिंपल से इंडिकेटर दिए गए हैं, लेकिन भाई लाइट काफ़ी बढ़िया लगी। एक और बार बंद करके स्टार्ट करते हैं। फैंटास्टिक, चलिए ट्रक के अंदर चल के देखते हैं कैसे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ट्रक के अंदर, गजब सी लाइटिंग देख के इंटीरियर एक बार चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है हमको इंटीरियर। अरे वाह, इसमें तो कंट्रोल्स बहुत ही ज़्यादा है भाई, कितने सारे कंट्रोल्स दिए गए यहाँ पे। सबके ऊपर हम लाइटिंग्स देख सकते हैं। चलिए करते हैं कैब लाइट ऑन। अरे यार, ओ वाह, बेटर देन बिफोर, थोड़ा और बढ़िया है पहले वाली ट्रक से। और अरे वाह, रेड कलर की जो लाइटिंग सब देख सकते हैं, वाह। कॉफ़ी होल्डर है अपने पास, एक ट्रे टेबल है पास में छोटी सी, ज़बरदस्त। इसका इंटीरियर भी हमको दिख रहा है, ऊपर कई सारे बॉक्सेस बनाए गए हैं, बेड भी बढ़िया सा है। नीचे ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर्स होंगे दो, एंड अमेजिंग। तो यहाँ पे सीट को एडजस्टमेंट करना है हमको, अभी एक बार सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ट्रक सेलेक्ट करके ये आ गई अपनी ट्रक, यहाँ से नहीं होता है, सॉरी यहाँ से होता है। स्टीयरिंग व्हील हो गया, गेम प्ले हो गया, साउंड हो गया, मीडिया, ये आ गई ट्रक। और ट्रक में हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर ये वाला करना है। तो यहाँ पे हम व्यू को अपना सेम रखते हैं, सीट करते हैं थोड़ी ऊपर और थोड़ी आगे, ताकि हमको साइड मिरर भी दिख जाए और कंट्रोल्स भी दिख जाए, स्टीयरिंग वगैरह, ये लगता सही है। हाँ, ये एंगल मुझे सही लगता है दोस्तों। तो ये हो गया अपना सेट, अब यहाँ से निकलते हैं, ब्रेक करते हैं रिलीज़। अच्छा, ब्रेक का हम यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं, ये जो पार्किंग वाला जो एंगल है ये अप एंड डाउन हो रहा है दोस्तों। तो ये पहला कंट्रोल मुझे दिखाया जो मैन्युअली हम अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ ट्रक के अंदर भी ग्राफिक हो रहा है। चलिए यहाँ से अब जॉब उठाते हैं, टाइम हो चुका है रात के दो बजे। भाई नई ट्रक ली है हमने, क्या बात है, पावर वगैरह काफ़ी बढ़िया होगा आई होप। स्टीयरिंग तो ज़बरदस्त है भाई, स्टीयरिंग तो एक रेसिंग कार की तरह स्टीयरिंग दिया गया है इसका। कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, और नीचे जो ये फ्लैट लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी ऊपर आई है, ये ऐसे रेसिंग कारों में होती है, ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। ट्रक का पूरा नज़ारा बाहर से तो सुबह ही मिलेगा,
तो सुबह के लिए हम इंतज़ार करते करते बैठ तो नहीं सकते यहाँ पे, तो चलिए जॉब उठा लेते हैं यहाँ से। जॉब उठा रख के करते हैं कुछ काम, कमाते हैं और पैसे और फिर उसको मॉडिफाई करेंगे कुछ ड्राइव कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है भाई इस टाउन में, ये देखो सामने से सेम एक ट्रक आई है। ये आ गया अपना वेयर हाउस, यहाँ पे उठाते कोई जॉब, शो अवेलेबल जॉब्स थे यहाँ पे। मैं पहले अब क्या करने वाला हूँ, कोई हल्का लोड नहीं लेने वाला हूँ, हैवी लोड हम उठा के ही जाएंगे चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए। हैवी लोड उठा के बढ़िया से पैसे कमाने भाई, हैवी लोड में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑब्वियसली हम ये एक मुझे मिल गया है 128 टन का नैन्सी से फ्रैंकफर्ट, लेकिन इसके लिए लेवल 17 रिक्वायर्ड बता रहा है और हम अभी फ़िलहाल 13th या 14th लेवल में। इसके बाद एक और है, ये काफ़ी इजी लग रहा है, 42 टन का ही है। इसका हमको मिल रहा है 5,500 यूरोस और डिस्टेंस है 380 मतलब 400 किलोमीटर है। तो चलिए इसी को उठा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा वाइड लोड ही होगा। चलिए कहाँ पे भाई अपना ट्रेलर, अपना ट्रेलर यहीं पे होगा शायद, लेट्स पिक इट अप। ये रहा भाई अपना वाइड लोड, स्टेप डेस्क है भाई इसके नीचे, नीचे वाले जो टायर है वो देखो भाई, और ट्रेलर ज़मीन से एकदम चिपक के चल रहा है, ज़बरदस्त है ये काम। ये लो भाई हमारा मज़ा बिगाड़ने के लिए बारिश शुरू हो गई ऊपर से, तो अभी हमको पक्का मिलने वाली हमारी ट्रक मैली, जब तक हम पहुँचेंगे तब तक पूरी मैली हो चुकी होगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था अपना सेम, नई ट्रक हमने रात को ली थी और फिर ड्राइव पे निकल गए और फिर सुबह होने तक देखा तो पूरी मैली हो पड़ी थी ट्रक अपनी। इसके बाद इसके साथ भी यही हो रहा है, ये जो पसंद नहीं है भाई। चलिए यहाँ से अब अपनी ट्रिप शुरू करते हैं, और उन तो सब ट्रकों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। और इस ट्रक ने पहले ही सेकंड गियर उठाया हुआ है, पिछली वाली ट्रक जो थी वो तीसरा या चौथा गियर पहले उठाती थी, इसमें वजन का भी हाथ है भाई। इस ट्रक में भी हमको पावर मोड तो नहीं मिल रहा है, बीकन लाइट हमने लगाई नहीं है, कोई बात नहीं, लेट्स गो। आगे आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं इस ट्रक में, फिलहाल जॉब कंप्लीट करनी है अपने को। पूरा हाईवे है तो रोड की कोई टेंशन है नहीं, हैवी लोड है तो भी बस स्पीड पे फर्क पड़ेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आगे सिग्नल है, हो गया ग्रीन, सिग्नल के बाद हमको लेना है राइट। वो आगे वाला भी देखो लाइटें मारते हुए जा रहा है, ब्रेकें खींची हुई है भाई ने। चलो ये बात इसमें अच्छी लगी कि टर्निंग के बाद अपने आप इंडिकेटर ऑफ हो गया, इंडिकेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका जो स्पीडोमीटर है ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एनालॉग है, पूरी तरह से डिजिटल नहीं है, लेकिन हम इसमें टाइम बड़ी बढ़िया से देख सकते हैं और स्पीड भी हमको डिजिटल में दिख रही है बीच में। डीजल तो फुल है भाई, डीजल भरवाने की ज़रूरत है नहीं, डीजल अपन पूरा पूरा लेके जा रहे हैं। टोटल गियर शायद इसमें 12 होंगे या फिर ज़्यादा है पता नहीं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तब आगे आगे पता चलेगा क्या हिसाब किताब है इसका स्पीड का। अंदर की जो रेड कलर की लाइट है वो ज़बरदस्त लग रही है भाई, एकदम स्पोर्टी, बड़ा मज़ा आ गया देख के लाइटिंग। अगर इसका कलर भी चेंज होता होगा तो और मज़ा आ जाता। हाईवे अभी दूर है यहाँ से, मिरर की विजिबिलिटी भी बढ़िया लग रही है, रात में तो पता चलेगा नहीं, सुबह के टाइम ही सब चीज़ों का हमको मालूम पड़ेगा। चढ़ाई आ गई, ओए दोस्तों चढ़ाई आ गई, छोटे गियर में दबा के हम ले जा रहे हैं ट्रक को ऊपर की तरफ।
भाई लाइटें देख के बड़ा मज़ा आता है यार, बार बार ये रेड कलर की लाइटें लगी है ना आउटलाइन, खतरनाक लग रहा है। तो कितना स्लो किया भाई, जोर ही नहीं पकड़ रहा है। 18 की स्पीड पे अटका हुआ है यार, इसका ना मॉडिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा, थोड़ा हैवी वाला इंजन डालने से शायद काम बनेगा। बहुत स्लो है भाई इंजन, बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है। तो हैवी लोड हम ले जा ही रहे हैं, उसके ऊपर से इतना स्लो चल रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसको। अब आ गया भाई नॉर्मल स्पीड पे, तो हम पहुंच गए हाईवे पे। यहाँ से दबाए हुए जाना है ट्रक को, बातों में भाई गियर चेंज करना भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। यहाँ पे काम करते हैं, क्रूज लगा देते हैं 120 की स्पीड का, देखते हैं पहुँच पाती है या नहीं। लगभग तो पहुँच जानी चाहिए क्योंकि ट्रक में हॉर्स पावर वगैरह तो बढ़िया सा है पिछले ट्रक के मुकाबले, तो स्पीड में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मसला बनता है। लेफ्ट साइड में पंप है, हमारी इधर कुछ नहीं है, डीजल की वैसे ज़रूरत है नहीं, डीजल फुल है, बस ड्राइवर को रेस्ट चाहिए, वो भी कुछ घंटे बाद मिलेगा तो भी चलेगा। अरे वाह, बढ़िया सा अपना ट्रक है, इसका इंटीरियर नाइन्थ गियर से सीधा 11th गियर पड़ गया भाई। कार वाला देखो, कार वाला क्या भागा है बार, अरे वाह अरे वाह, भगाओ दोस्तों भगाओ, टाइम है आपका भगाओ, पूरा रोड खाली पड़े है, क्यों नहीं भगाएगा, आधी रात को कोई पूछने वाला भी नहीं है इनको, चाहे ओवर स्पीड हो चाहे कुछ भी हो। सौ की स्पीड भी मुश्किल से पहुंच रहे हैं हम, आगे भाई 100 टच कर दी भाई ट्रक ने, 100 टच कर दी, अब जा रही है 100 के ऊपर। गियर करते हैं ऊपर और देखते हैं, ट्रक काफ़ी हिल रहा है भाई, यहाँ आगे लाइटें तो बाहर से एक बार नज़ारा ले लेते हैं। स्टॉप आ गया भाई, स्टॉप आ गया दोस्तों स्टॉप। ये कौन है ये भाई, अभी तो यार बीच में आ जाता है एकदम से। लग गई भाई, लग गई लग गई, काफ़ी जगहों पे लग गई, और यहाँ पे लगी हुई है लाइन भी। ये बंदा भी ले जा रहा है हैवी लोड, उसके आगे वाला वो भी हैवी लोड है। यहाँ पे करवा लेते डीजल फुल और फिर लेते हैं रेस्ट, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ये क्या इंजन ऑफ, डीजल बड़ा सस्ता है भाई, 1.77 यूरोस पर लीटर है, क्या बात है। लाइटें बड़ी मज़ेदार लगती है यहाँ पे इसकी, ऑन अटक गया, रोड अटक गया भाई। अरे यार फिर से रिवर्स लेना पड़ेगा, मार के गया, मार के गया भाई अंधे आदमी, पूरा घुमा के पार्किंग लगा देते।
वहीं पार्किंग लगा देते हैं, साइड में लग गई है लगता है, किसी को डिस्टर्ब होगा नहीं। देखते हैं वो ट्रक वाइट वाला जाता है या नहीं जा पाता है। जाएगा भाई, वही रोक दी बंदे ने, रोक दी। थोड़ा आगे लेके फिर रिवर्स लेते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम। बड़े खतरनाक तरीके से रोकी हमने ट्रक, 6 घंटे की स्लीप करते कंप्लीट। अरे वाह, सुबह हो गई मामू। ओही एक्सल देखो भाई ट्रक के आगे वाले, क्या पूरा टर्न मारा हुआ है, खतरनाक भाई। ट्रक बड़ा स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन पूरा वॉश करवाने के बाद इसका आएगा लुक बढ़िया से। और लोड देखो भाई, ज़मीन पे से कितना चिपका हुआ चलता है, कितना चिपका हुआ है देखो। ये ऑफ रोड होता तो भाई खतरनाक होता काम, बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन के पास है। और ट्रेलर के दोनों तरफ देखो लाइटें लगी है, वाइड लोड की फ्लैग लगे हुए, 100% वाइड लोड है ये, क्लियरली दिखता है। चलिए ट्रक करते हैं ऑन, यहाँ से घुमा के निकलते हैं बाहर। ये देखो भाई दोनों तरफ झंडे लगे हुए, दोनों तरफ मार्कर है कि लोड इतना वाइड है, इस तरफ भी आने का नहीं और इस तरफ भी आने का नहीं। लेकिन बंदे समझते थोड़ी है भाई, मार मार के जाते रहेंगे जहाँ भी दिखे। मज़ा आ गया भाई वाइड लोड का चक्कर लेने में। स्पीड काफ़ी धीरे पकड़ रहा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, एक तो हैवी लोड है और उसके ऊपर हमने कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करवाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्पीड हमको हर ट्रक में सेम मिलेगी। थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है शायद। पिकअप आई मीन स्पीड का मतलब है, पिकअप इतना जल्दी नहीं पकड़ रही है ट्रक अपनी, कोई टेंशन नहीं है। चलाते हैं भाई, चलाते हैं काम, चलाते हैं। वैसे तो पूरे हमने खाली किए हुए हैं, तो 2-3 चक्कर तो ऐसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कमाई होगी और फिर करेंगे इसको बढ़िया से मॉडिफाई। यहाँ पे एक और रेस्ट एरिया आ गया भाई बड़ा वाला, बहुत सारी पार्किंग की जगह है वहाँ पे रेस्ट एरिया में। हम पहुँच रहे हैं 90 से ऊपर, 100 की स्पीड पकड़ रहा है अपना ट्रक। आगे हैं बहुत सारे टर्निंग, तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे दोनों हाथ जमा के रखने और ध्यान से हमको टर्निंग करनी है। ये देखो भाई यू राइट गया और फिर यू लेफ्ट आ रहा है, और उसके बाद भी शायद टर्निंग है। ओ यार, अरे यार, अरे क्या कर रहे हो भाई। जब भी बाहर के नज़ारे लेता हूँ भाई हमेशा डिस्टर्ब होता है मुझे टर्निंग के चक्कर में, हमेशा पूरा मोशन ख़राब कर दिया इसने। मैं तो बस चेक कर रहा था बाहर से लिखता कैसा है अपना ट्रक वाइड लोड के साथ, मतलब वो जो नज़ारा आता है ना, मज़े आते हैं नज़ारे देख के। ये आ गया एक रेस्ट एरिया, अभी अभी तो पंप गया और अभी अभी एक रेस्ट एरिया है।
जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे एक भी नहीं मिलता, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तीन चार लगातार मिल जाएंगे आपको, पंप और रेस्ट एरिया सब। कांच इतना गंदा हुआ पड़ा है, वाइपर से साफ तो होगा नहीं, क्योंकि बारिश का जो मैल होता है वो बारिश से, या तो बारिश से साफ होगा या फिर वॉशिंग सर्विस ले जानी पड़ेगी हमको किसी सिटी में। आ गई भाई, 100 क्रॉस हो गई फिर से। ट्रक काफ़ी हिल रहा है, अगर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है ट्रक में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे झूला झूल रहा है। बड़े आराम से इशारा देना है स्टेयरिंग का, ज़्यादा घुमाई तो सीधा उलट पलट हो जाएगी अपनी ट्रक। अभी जो पिछली थोड़ी देर पहले अगर आपने देखी है, रिस्की मामला है बंदे, ध्यान से। ट्रैफिक आ गई भाई, ध्यान से। इस बस वाले के आगे जो ले जा रहा है वो वायर बड़ी बड़ी, वो भी भाई हैवी हैवी लोड होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है उसमें। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास है उससे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ज़्यादा। एक नॉर्मल लोड आता है 14-15 टन का, ये आ गया 25 टन के ऊपर जाता है शायद, 25 या 26 टन। और आज हम ले जा रहे हैं 40+। अरे भाई चढ़ाई देखो आगे, ओह माय गॉड क्या चढ़ाई है, वाह चढ़ाई है भाई साहब चढ़ाई। अरे वाह क्या चढ़ेगा ट्रक अपना, हा जोर लग गया एकदम से ऊपर भाई, एकदम से ऊपर, वाह भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं रोड के, खतरनाक लग रहा है ट्रक अपना चढ़ाई करने से। कोई अटक गया अटक गया अटक गया, वही गियर डाउन गियर डाउन गियर डाउन करते हैं। गियर डाउन कर लेना चाहिए चढ़ाई पे, हम तो ये बात भूल गए, ऐसी बातें कैसे भूल सकते हैं भाई। यहाँ पे ये ब्रिज लगता है, ये पूरा जो है सेगमेंट ब्रिज बनाया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे एकदम से चढ़ाई पड़ती है, थोड़ी देर में फिर डाउन जाएगा। फ्लैशर ऑन कर लेते हैं, धीरे धीरे स्टीयरिंग पकड़ के इशारा देते देते चलना है। तो साइड में नदी है और नदी के ऊपर से जा रहा है, ये नदी वाला ब्रिज है, यहाँ से डाउन पड़ रही है इसलिए स्पीड भी बढ़ रही है, यहाँ फिर से डाउन आएगी। जोरदार है भाई रोड, ये मामला ये देखो आगे से डाउन है, और इस तरफ लेफ्ट साइड में पता नहीं क्या बनाया है, बड़ी बड़ी टैंकियाँ भाई ये। और एक रेस्ट एरिया, क्या बात है, रेस्ट एरिया की लाइन लगती है यहाँ पे। ओए टर्निंग फिर से टर्निंग, गड़बड़ ना करो भैया, बड़े ऊंचाई पे चल रहे हैं हम, जबरदस्त है भाई रोड, हाईवे बहुत इंटरेस्टिंग है, टर्निंग के साथ उतार चढ़ाव है इसमें, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता इस हाईवे पे। मन करता है इसके बाद और एक हैवी लोड लेके इसी रास्ते वापस आ जाए, अब अंदर बैठ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे ट्रैफिक है। गेम में डबल ट्रेलर नहीं है, होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, शायद हो सकता है कि लेवल ऊपर जाते जाते हमको नए नए ट्रेलर देखने को मिले, जैसे अभी वाइड लोड लेके जा रहे हैं, पहले ही हमको नहीं मिलते थे, इसके लिए का मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट होता है, जब एक लेवल तक पहुंच जाएंगे उसके बाद ही हमको मिलेगा।
वाइड लोड हो गया, कोई अलग सा स्पेशल लोड हो गया। एक और पंप आ गया, लेकिन ना हमको डीजल की ज़रूरत है ना रेस्ट की, हमको सीधा जाना है हमारे डेस्टिनेशन। ओए ओए ओए, ग्रिल से लग रहा है भाई, बहुत पास चला गया था। आगे फिर से रोड का कलर चेंज हो रहा है। वो आगे ट्रक बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लाइन लगा दी उन लोगों ने, देखो एक के पीछे एक, बहुत स्लो जा रहा है भाई, बड़े आराम से जा रहे हैं बंदे। भाई भाई लगते हैं दोस्त, कि भाई तू मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो वाला मसला है। रुकेंगे तो एक साथ रुकेंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, ऐसा वाला बातचीत करके चल रहे होंगे आगे। एक सौ पच्चीस पहुँच गए भाई, 125 अपनी ट्रक टच कर गई। यहाँ पे एक और रेस्ट एरिया, क्या बात है, लगातार रेस्ट एरिया है, लगातार चार या पांच देख चुके हम पंप के बाद। इतनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, इतने सारे क्यों लगा रखे एक साथ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाओ। यहाँ पर ब्रेकें मारनी पड़ेगी सामने ट्रैफिक है भाई, यहाँ पे रिस्क नहीं उठाने का क्योंकि वाइड लोड है। बड़े आराम से ध्यान से, कोई बंदा रास्ता दे रहा है तो जाओ, नहीं दे रहा तो भाई उसके पीछे पीछे जाओ थोड़ी देर के लिए, पेशेंस रखो। वो भी पता नहीं कौन सी लाइन में घुसे जा रहा है, ये देखो यहाँ पे लाइन लग गई भी कारों की, वीआईपी कार है जैसे। ओ बारिश, बारिश आ गई भाई, बारिश फिर से। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ट्रक साफ हो जाएगा बारिश के बाद। एक बारिश जब पहली बारिश पड़ती है तो ट्रक मैला हो जाता है, तो हो सकता है इस बारिश में ट्रक साफ हो जाए हमारा। वाइपर पूरे स्पीड में मैंने ऑन कर लिया, फुल लाइट है। बढ़िया लग रहा है भाई ट्रक अपना, शायद यहाँ से टर्निंग मिल गई हमको टर्निंग, ये जाता है जुरिक को, यहाँ से राइट लेना है और हम तैयार है हमारा लोड डिलीवरी करने की पूरी तैयारी। स्लो डाउन कर लेते हैं, ब्रेक मार लेते हैं, गियर डाउन, और ट्रक को भाई अपने हाल पे छोड़ दिया, यहाँ पे आराम से जाएगा अपनी स्पीड में। देखो अपने आप बढ़ाते जा रहा है स्पीड, 70 हो गई अपने आप, 65 से 72, अब यहाँ पे स्पीड करते हैं। स्पीड मतलब ज़्यादा भी नहीं है, हमको 100 के अंदर ही रखना है क्योंकि अपनी सिटी आने वाली है, तो फिर रोड भी सिंगल और डबल ही है यहाँ पे, हाईवे तो है नहीं, डबल रोड है। जोर लग रहा है भाई चढ़ाई पे, आवाज़ सुनाई दे रही है, बड़ा मस्त जोर लगा रहा है अपना ट्रक। वो ब्रिज के नीचे से जा रहा है, ब्रिज की इतनी भी हाइट नहीं थी कि भाई हमारा लोड उसको टच हो जाए, लेकिन
लेकिन ऐसा एक लगा मेरे को कि शायद बहुत करीबी मामला हो सकता है। टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ये ट्रक वाला वो टक्कर के जा रहा है, जाओ जाओ जाने दो। उसके बाद हल्का वजन होगा इसलिए स्पीड ज़्यादा है, हम भाई ध्यान से जाएंगे। ऐसे तो पक्का ड्राइवर बंदा है तो उसको मालूम है कि ओवरटेक नहीं करना है, हैवी लोड है, वाइड लोड है, आगे वाले बंदे के पास टच हो सकता है, लेकिन इनको कौन क्लास ले, कौन समझाए भाई, रोड पे कैसे डिसिप्लिन आपको रखनी है। भगाते जाएंगे भगाते जाएंगे। आ गया भाई, सिटी आ गया अपना। ये मिलेगा हमको यहाँ पे सिग्नल, सिग्नल से लेना है हमको लेफ्ट। स्पीड रखते हैं कम, ग्रीन है भाई सिग्नल, ग्रीन है। ओ ये टर्न मारा, वाह हो गया भाई, पार्किंग हो गया हो गया हो गया। अरे यार
भाई हो ही नहीं रहा है पार्किंग यार। फाइनली भाई फाइनली, तो हम कर चुके हैं अपनी पार्किंग कंप्लीट, और इसके बाद हमको अपना ड्राइव कंप्लीट करने के बाद मिल रहा है 6500 का यूरोज़ का इनाम। 400 किलोमीटर हमने क्रॉस किया है और 350 लीटर फ्यूल हमने अपनी अपनी ट्रक ने पिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ये वाली काफ़ी टफ थी पार्किंग, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। टिल देन टेक केयर। देखो कैसे डांस करिए भाई। अगली वीडियो में ट्रक को करवाएंगे वॉश और बढ़िया से इसकी लुक मैं आपको दिखाऊंगा। दो तीन ड्राइव हम ऐसे ही करेंगे, इसके बाद उसके बाद करेंगे मॉडिफाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो को पसंद आया तो। सी यू।